दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सोल्जर अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने देश के लिए वो चाहे तो कोई भी सैक्रिफाइस भी दे सकता है। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्जर्स और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वॉर मूवीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं और ये सभी वॉर मूवीज आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएंगी। कुछ वॉर मूवीज आपको सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होगी, लेकिन ज्यादातर मूवीज ही आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगी, वो भी नेटफ्लिक्स पर। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग वॉर मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी गेमिंग वर्ल्ड या फिर गेमिंग अपडेट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो प्लीज मेरे गेमिंग चैनल बाबुन एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गेमिंग चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, मुसूल। मूवी बेस्ड है वॉर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है इराक से, जहां पर एक स्वाट टीम को भेजा जाता है वॉर के बाद, लेकिन अचानक से ही उन्हें एक पुलिसमैन ज्वाइन करता है और उस पुलिसमैन की वजह से वो स्वाट टीम एक डेंजरस सिचुएशन में पड़ जाते हैं और उस डेंजरस सिचुएशन से वो सभी सोल्जर्स किस तरह बाहर निकलते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 9, टेयर्स ऑफ द सन। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ सोल्जर से, जिन्हें एक डेडलीस्ट टास्क के लिए भेजा जाता है नाइजीरिया और वहां पर जाकर वो सभी सोल्जर्स अपने इस टास्क को किस तरह कंप्लीट करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 8, द सीज ऑफ जोराट वैली। मूवी बेस्ड है वॉर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है आईएएस कमांडर से, जो कि 150 सोल्जर को लेकर अपना एक कैंप चला रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके ऊपर लगभग 3000 दुश्मन सोल्जर्स हमला कर देते हैं और लास्ट तक आईएएस कमांडर अपने सोल्जर्स को किस तरह सेव करते हैं, इवन वहां से निकलने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी की स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना से ली गई है। इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 7, द फॉरगॉटन बैटल। मूवी बेस्ड है वॉर ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी एक्चुअल में एक वॉर पायलट के लाइफ के ऊपर बेस करके बनाई गई है। कंप्लीट मूवी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये मूवी आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड में ले जाती है। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 6, ब्लैक क्रैब। मूवी बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 6 सोल्जर से, जिन्हें एक डेडलीस्ट टास्क दिया जाता है और उस टास्क को वो दूसरे देश में जाकर किस तरह कंप्लीट करते हैं, इवन बैटल ग्राउंड को वो किस तरह पार करते हैं, ये सारी चीजें इस मूवी को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है। इवन ये 6 सोल्जर अपने आप को किस तरह सर्वाइव करके रखते हैं इस वॉर एक्टिविटी में, ये भी इस मूवी में बखूबी दिखाई गई है। मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 5, 12 स्ट्रॉन्ग। मूवी बेस्ड है वॉर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कैप्टन मिथ से और इस कंप्लीट मूवी में कैप्टन मिथ के ही कंप्लीट लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह उन्होंने अफगानिस्तान वॉर में पार्टिसिपेट किया था, इवन अपनी टीम को वो किस तरह लीड कर रहे होते हैं और लास्ट तक वो उस जगह से किस तरह सर्वाइव करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 4, 13R। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड वॉर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 6 सोल्जर से, जो कि एक वॉर जोन में फंस जाते हैं टेररिस्ट के बीच और लास्ट तक ये सभी सोल्जर अपने आप को किस तरह सरवाइव करके रखते हैं 13R तक, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 3, ग्रीन जोन। मूवी बेस्ड है वॉर एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है बगदाद, जहां पे रॉय मिलर अपनी एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, किसी भी तरह से एक डेडलीस्ट वेपन का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच वो एक्चुअल में एक वॉर जोन में फंस जाते हैं और उस वॉर जोन से रॉय मिलर किस तरह बाहर निकलते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 2, अनब्रोकन। मूवी बेस्ड है वॉर एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लुइस जैपरिन से, जो कि US सोल्जर हैं, लेकिन अचानक से ही वॉर लड़ते हुए वो दुश्मन के हाथों चढ़ जाते हैं। वहां पर जाते ही उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, लेकिन उन अत्याचारों को सहने के बावजूद भी वो किस तरह खड़े रहते हैं उनके सामने, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2।
और लास्ट ऑन नंबर वन पर हम बात करेंगे सेविंग प्राइवेट रायन। मूवी बेस्ड है वॉर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी आपको ले जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जहां पर कैप्टन जॉन मिलर को एक डेडलीस्ट टास्क दिया जाता है कि वो किसी भी तरह से प्राइवेट को सेव करके घर वापस लेकर आए। और लास्ट तक जॉन मिलर अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग लेती है 10 में 8.6। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। इसी तरह की अमेजिंग अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल अपडेट वन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।